सो ये 11th of August को ना दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है, एक अपना गदर 2 एंड दूसरा ओ माई गॉड 2। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर को रिलीज करा गया है। ट्रेलर को देखने के बाद लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि ओ माई गॉड 2 के ट्रेलर को लोग काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट ये फिल्म का ट्रेलर मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा सही लगा। यहाँ असली खेल अब शुरू होता है, ओ माई गॉड 2 और गदर 2 में बॉक्स ऑफिस पे कौन सा फिल्म बाजी मारता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, दोनों फिल्मों का ट्रेलर आ गया, ट्रेलर देखने के बाद पता चल जाता है ये फिल्म में कितना पोटेंशियल है। किसी फिल्म को अगर तुम जज करना है ना, एक बजा का ट्रेलर देखो। बहुत ही बाई चांस इक्का दुक्का परसेंट वाली फिल्म ऐसा होती है जिसके ट्रेलर को देखने के बाद अगर तुम प्रिडिक्ट करते हो उस फिल्म को, ये फिल्म हिट करेगा या फ्लॉप करेगा, सो एक आधी परसेंट होता है कि फिल्म ट्रेलर से और बेहतर निकल के आ जाती है। बट ज्यादातर फिल्में जैसा ट्रेलर होता है वैसे ही फिल्म होती है। तो यहाँ दोनों फिल्मों का ट्रेलर आ गया है, ओ माई गॉड 2 का भी और गदर 2 का भी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये दोनों फिल्मों में कौन सा ऐसा फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे झंडा गाड़ेगा। यार सीरियसली यार, मतलब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं लिटरली मैं दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़े। तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन देने से पहले ना थोड़ा मेरे कॉमेंट बॉक्स में ना बहुत ऐसे भाई लोगों का कॉमेंट मैंने देखा है। इनफैक्ट बहुत ऐसे भाई लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर रहे हैं कि इस बार तो भाई ओ माई गॉड 2 को धूल चटा देगा गदर 2। ओ भाई साहब, मतलब बहुत ऐसे भाई लोगों का मैसेज आया गदर 2 भाई बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देने वाला है, फाड़ के रख देने वाला है। तेरा क्या ओपिनियन है भाई बता। इसके साथ साथ कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गदर 2 को लेके ही लोग सिर्फ मैसेज करें। बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो भाई अक्षय कुमार के ये फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद बहुत खुश है, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा खुश है। वो लोग का कहना है कि फाइनली अक्षय कुमार कोई एक बेहतरीन चीजें लेके आ रहे हैं। और सच बोलूं तो यार मैं भी जब ये फिल्म का ट्रेलर देखा, इनफैक्ट अभी पिछले 4-5 साल में अक्षय कुमार ने जो भी फिल्में करा है उन सब फिल्मों का अगर तुम ट्रेलर को देखो और एक बार जाकर ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर को देखो, बेस्ट ट्रेलर तुम्हें ये लगेगा ओ माई गॉड 2। ऐसा लगेगा कि चलो भाई 5-6 साल बाद अक्षय कुमार सच में कोई एक बेहतरीन फिल्म लेके आ रहे हैं। ट्रेलर देखने से तो यही पता चल रहा है। अब जब ये 11th of August को फिल्म आएगा तो फिल्म में कितना पोटेंशियल है उस टाइम हम लोग बात करेंगे, बट हाँ ट्रेलर देखने के बाद पोटेंशियल लग रहा है। सो अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, जैसे सनी देओल के जो फैंस हैं, मिस गदर के फैंस हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सनी देओल की फिल्म गदर बॉक्स ऑफिस में बाजी मारने वाली है। उसके साथ साथ अक्षय कुमार के फैंस हैं या जो ओ माई गॉड 2 के फैंस हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस बार तो 11th of August को ओ माई गॉड 2 झंडा गाड़ने वाली है। बट एज ए नॉर्मल वे से मैं बोलूँ तो मुझे क्या लगता है ये दोनों फिल्मों में कौन सा फिल्म बाजी मारने वाली है, क्या गदर 2 बॉक्स ऑफिस में बाजी मारेगा या ओ माई गॉड 2 बाजी मारेगा। तो देखो यार, दोनों फिल्मों का ट्रेलर पे देखे, गदर 2 के लेके बातें करते हैं सबसे पहले। गदर 2 एक प्रॉपर एक हार्डकोर मसालेदार फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गदर 2 है ना सिंगल स्क्रीन्स पे ना काफी ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। बट इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं ओ माई गॉड 2 की, एक कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है। यहाँ जो लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है सेक्स एजुकेशन में बनाई गई है। तो ये फिल्म को ना मल्टीप्लेक्स वाली ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करेगी। बट हाँ, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो फिल्म है ओ माई गॉड 2 इसको सिंगल स्क्रीन वाले पसंद नहीं करेंगे। बट हाँ, ज्यादातर इस फिल्म को ना मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस पसंद करेगी। टायर 1 टायर 2 का ऑडियंस काफी ज्यादा इसे पसंद करने वाली है। बट वहीं अगर हम लोग गदर 2 की बात कर लेते हैं, गदर 2 को भी भाई टायर 1 टायर 2 का ऑडियंस पसंद करेगी, बट ज्यादा परसेंटेज सिंगल स्क्रीन के ऑडियंस का होगा। क्योंकि ये फिल्म के ट्रेलर में देखने के बाद ऐसा लग रहा है वहीं सनी देओल कल उखाड़ रहे हैं, वो बड़ा सा वो चक्का टाइप जो फेंक रहे हैं, डायलॉग वाला जो सीन्स है ऐसा ज्यादातर फिल्में ना सिंगल स्क्रीन्स पे ही चलती है। तो मेरे वैसे गदर 2 सिंगल स्क्रीन्स पे ब्लॉकबस्टर है और इसके साथ साथ ओ माई गॉड 2 मल्टीप्लेक्स में ब्लॉकबस्टर है। दोनों अपने जगह पे सुपर हिट फिल्म है और मैं लिटरली दिल से चाहता हूँ यार कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करके ये लोग के पास ना एक लंबा वीकेंड, अगर ये दोनों फिल्मों में थोड़ा भी कंटेंट हो गया ना तो भाई बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगा। क्योंकि गदर 2 का एक अलग ही हाई बनना हुआ है भाई। ट्रेलर आने के बाद लोगों को मिक्स रिएक्शन आ रहा है लेकिन फिर भी इसके जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है काफी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस लोग चाहते हैं, सनी देओल के फैंस चाहते हैं ओ माई गॉड 2 कलेक्शन ना करे और अक्षय कुमार के फैंस चाहते हैं ये गदर 2 फिल्म कलेक्शन ना करे। मैं बोलता हूँ भाई ये दोनों जो फैंस है दोनों एक्टर लोगों का दोनों फिल्मों का, भाई दोनों साथ में आ जाओ, दोनों फिल्मों को ही ब्लॉकबस्टर बना दो यार, आपस में लड़ने से क्या ही फायदा होगा यार। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे वैसे क्या लगता है ये दोनों फिल्मों में कौन सा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे
तप्पा थर्ड कलेक्शन करने वाली है, मीन बॉक्स ऑफिस पे कौन सा फिल्म बाजी मारने वाला है, अपने ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।